शरद जी, क्या कांग्रेस पार्टी पर अब तमाम विपक्षी दल भरोसा कर सकते हैं? पिछले दिनों आपने देखा ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में झड़प हुई, टीआरएस कांग्रेस से बिल्कुल हाथ मिलाने को तैयार नहीं, अखिलेश यादव ने भी काफी हद तक एक तरीके से एम्बिगुअस स्टैंड मेंटेन कर रखा है, आम आदमी पार्टी तो साफ तौर पर जो है वो बिल्कुल एकदम तलवार लेकर खड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो आज उनके साथ आने के लिए तैयार लगते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी पर बहुत सारे दल अब भरोसा करने लगे और ये विपक्षी एकता के लिए एक बड़ी खबर है? दरअसल ये टर्फ वॉर है, जहां पर किसी भी रीजनल पार्टी का कांग्रेस के साथ सीट एडजस्टमेंट या सीधा मुकाबला है तो वहां पे वो कांग्रेस से तालमेल करने में हिचकते हैं। जिन पार्टियों का नाम लिया आपने, चाहे आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सभी कांग्रेस के साथ उस सीधे मुकाबले में है। यही मामला तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में भी है, लेकिन जहां पे कांग्रेस खुद मुख्य विपक्षी पार्टी या खुद चुनाव की रेस से बाहर है और रीजनल पार्टी हावी है, जैसे तमिलनाडु हुआ, तो वहां पे वो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, तालमेल करते हैं। लेकिन इधर दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे पहला कि राहुल गांधी एक तरह से प्रधानमंत्री की रेस से उन्होंने खुद को बाहर कर लिया है या खुद बाहर हो गए हैं, तो वो जो बहुत से नेताओं को, विपक्षी नेताओं को लगता था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो और उनका पत्ता कट सकता है, तो ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को थोड़ा सा ढाढ़स मिला है। दूसरा महाराष्ट्र का डेवलपमेंट है कि पहली बैठक और दूसरी बैठक के बीच में एनसीपी दो फाड़ हुई और जिस तरह से वहां पे सरकार बनी, तो उससे लग रहा है कि बीजेपी किसी भी हद तक जाकर विपक्षी एकता को तोड़ने का और विपक्षी दलों को तोड़ सकती है। तो ये जो अपने अस्तित्व को बचाने की संघर्ष है, तो वो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो एक बहुत लो की प्लेयर हैं खड़गे जी, और वो किसी तरह से लोगों को लगता नहीं कि वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री बनने की रेस में, तो इसलिए और उनकी तरफ से एक बड़ा एकोमोडेटिव एटीट्यूड लिया गया है। और जैसा भी आपने कहा कि सोनिया गांधी खुद एक डिनर होस्ट कर रही है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक पायदान पीछे लाने में कामयाब हुए और विपक्षी दलों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हुए हैं कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।